नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बीजेपी ने अपने राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया और 7 लोगों को जिन्हें राज्यसभा भेजना है उनके नाम का ऐलान कर दिया। और ये 7 नाम ऐसे हैं जो कई लिहाज से अहम हैं। सिर्फ एक नाम को रिपीट किया गया है और वो नाम है सुधांशु त्रिवेदी का। जी हाँ, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के इस वक्त के सबसे बड़े ऐसे चेहरे हैं जो प्रवक्ता के तौर पर बेहद मशहूर हुए हैं और उनका ये दूसरा टर्म होगा। लेकिन एक बात जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा थी वो ये कि कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दरअसल उनका नाम उन 35 लोगों की सूची में शामिल था जिनके नाम को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। दरअसल 7 सीटों के लिए बीजेपी ने कुल 35 नाम फाइनल किए थे और 35 नामों में से एक नाम कुमार विश्वास का भी था। हालांकि कुमार विश्वास से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया था और उस पर कुछ नहीं कहा था। तभी से इस बात के थोड़े कयास लग रहे थे कि क्या सचमुच कुमार विश्वास जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। लेकिन आज साफ हो गया कि कम से कम इस सूची में तो कुमार विश्वास नहीं जा रहे। तो आखिर कुमार विश्वास के लिए बीजेपी के झोली में क्या है? एक चर्चा यह है कि जो नॉमिनेशन वाले राज्यसभा हैं जिसमें कि कलाकारों को, जिसमें देश के बड़े खेल में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है उनको, साहित्यकारों को जिसमें भेजा जाता है, हो सकता है नॉमिनेशन के जरिए कुमार विश्वास को अब राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन एक और चर्चा है और वो चर्चा है गाजियाबाद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की। यानी कि कुमार विश्वास को लेकर के ये चर्चा खत्म नहीं हुई है कि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से रिजल्ट आए, नाम सामने आए, उसने साफ कर दिया कि कुमार विश्वास तो कम से कम इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि कुमार विश्वास अब खुलकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं, खास करके उनके संसद के भाषण की उन्होंने बड़ी तारीफ की है। अभी जो कल्कि मंदिर का निर्माण हो रहा है संभल में, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी होंगे, वहां पर उनकी भी मौजूदगी होगी। अब अगर दूसरे नाम पर चर्चा करें, सुधांशु त्रिवेदी का उनको रिपीट किया गया है। दूसरा नाम आरपीएन सिंह का है जो इस वक्त चौंका रहा है। आरपीएन सिंह का को माना जा रहा था कि उन्हें कुशीनगर से बीजेपी चुनाव लड़ाने जा रही है और पार्लियामेंट वो लड़ेंगे। लेकिन आज जब उनका नाम इन 7 लोगों की सूची में आया तो फिर सबके लिए चौंकना लाजमी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सीट लगभग तय मानी जा रही थी कुशीनगर की, अब वहां से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने के बजाय उन्होंने राज्यसभा का रुख किया है। तो पिछले कुछ वक्त से आरपीएन सिंह मीडिया से भी गायब थे। कांग्रेस के नेता लगातार तंज कस रहे थे कि आखिर आरपीएन बीजेपी में आने के बाद कहां गायब हो गए हैं। तो उनको इस बार राज्यसभा में जगह दी गई है। पूर्वांचल में जिस बिरादरी से वो आते हैं, कुर्मी की सैंथवार एक बिरादरी है, जाती है, जिससे कि आरपीएन सिंह आते हैं। हालांकि वहां के वो राजा साहब कहे जाते हैं, उनका अपना महल भी है और अपना प्रभाव भी है। तो ये बिरादरी पूर्वांचल में, खास करके कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, इन जिलों में इनकी तादाद अच्छी खासी है और इसे साधने की भी एक कोशिश दिखाई देती है। साथ साथ एक तरीके से कांग्रेस के नेताओं को भी ये संदेश है कि जो बीजेपी में आता है वो कुछ ना कुछ पाता है। तो जितने लोग जो यंग टर्क्स कहे जाते थे बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी में, जो राहुल गांधी के करीबी थे, अब उनको सबको कुछ ना कुछ बड़ा मिलता दिख रहा है। और अब आरपीएन सिंह की अगली कोशिश मोदी O3O में, यानी कि तीसरे कार्यकाल में अगर उनका उनकी सरकार बनती है तो फिर मंत्री पद पाना होगा। तो ये दो नाम, सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह का नाम इस लिस्ट में सबसे अहम है। राज्यसभा के लिए नहीं जाना कुमार विश्वास का चौंका रहा है, जबकि उनकी चर्चा थी। पूर्वांचल और पश्चिम दोनों में बीजेपी ने खासा जोर दिया है और इस बार 2 महिलाओं को बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है, जिसमें से एक है संगीता बलवंत। संगीता बलवंत गाजीपुर से आती हैं और गाजीपुर शहर से विधायक रह चुकी हैं, बिंद बिरादरी से हैं। तो पूर्वांचल में बिंद, मल्लाह, निषाद, इनकी तादाद काफी तादाद में है। तो बीजेपी ने ओबीसी के जरिए ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की है। और आपको एक बात बता दें कि जिन 7 लोगों के नाम आए हैं उसमें से 4 ओबीसी हैं
और उन चार ओबीसी में एक कुर्मी सैंथवार बिरादरी से, दूसरी बिंद बिरादरी से, तीसरी जो है वो जाट बिरादरी और चौथा मौर्य बिरादरी से हैं, जबकि एक ब्राह्मण, एक ठाकुर और एक जैन बिरादरी से नाम लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने क्षेत्र को साधने की, जातियों को साधने की एक कोशिश की है राज्यसभा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। तो संगीता बलवंत, जी हाँ, वो महिला चेहरा हैं, बिंद बिरादरी से आती हैं, पूर्वांचल से हैं, गाजीपुर से हैं, गाजीपुर मई में मऊ के इलाके में इस बिरादरी की तादाद अच्छी है और इनके जरिए बीजेपी 24 का चुनाव साधने की एक कोशिश, एक मुहिम में जुटेगी। दूसरा नाम अगर देखा जाए तो फिर आता है अमरपाल मौर्य का, और अमरपाल मौर्य सबसे करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य के, इसलिए ये जो लिस्ट है इसमें अगर किसी एक शख्स के सबसे करीबी को चुना गया है तो वो है अमरपाल मौर्य, और वो सबसे उसमें बड़े चेहरे हैं कोई तो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में संगठन में महामंत्री के पद पर हैं अमरपाल मौर्य, चुनाव लड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ऊंचा हार से, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो जो पूरा इलाका है प्रयागराज, फूलपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन इलाकों में मौर्य बिरादरी की तादाद अच्छी है और इस वजह से इनको चुना गया है। कहीं ना कहीं 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव सचमुच नजर में है बीजेपी के, इसलिए अगर आप देखें तो रीजन वार कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ये चुनाव है। साधना सिंह है अगला नाम, अगर आप देखें तो साधना सिंह चंदौली मुगल सराय से विधायक हुआ करती थी और पिछला चुनाव हालांकि वो हार गई, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इस बार राज्यसभा भेजा है। पूर्वांचल में चूंकि ठाकुर बिरादरी जो राजपूत बिरादरी है उसे साधने की बीजेपी की कवायद है और महिलाओं को अहमियत देने की, चूंकि सरकार ने महिला बिल पास कराया है इसलिए 7 में से 2 महिला चेहरों को उन्होंने चुना है। तो लगभग 33% के आसपास की इनकी कोशिश है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, और इस वजह से पूर्वांचल में जो ठाकुर बिरादरी और ठाकुरों के अगर आप तादाद को देखें तो चाहे वो चंदौली हो, वाराणसी हो, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, ये सब वो इलाके हैं, मऊ, ये सब वो इलाके हैं जहां ठाकुर बिरादरी की तादाद भी अच्छी है और इस वजह से एक उस चेहरे को और साथ साथ महिला को बीजेपी ने चुना है। तेजवीर सिंह चौधरी, तेजवीर सिंह 3 बार के सांसद रह चुके हैं मथुरा से और बीजेपी के पुराने चेहरे हैं, उनको बीजेपी ने इस बार राज्यसभा भेजा है। वो जाट बिरादरी से आते हैं, तो मथुरा से बीजेपी ने अपने पुराने जाट चेहरे को राज्यसभा भेजा है और बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से जाटों पर उसका अपना एक फोकस है, अपना एक ऑपरेशन है, वो और मजबूत होगा। अगर हम पांचवा नाम देखें तो पांचवें नाम के तौर पर अगर हम देखें तो जो नवीन जैन है, नवीन जैन बीजेपी के मेयर रह चुके हैं आगरा से, वो एक कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और साथ साथ एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं जिनका हजारों करोड़ का कारोबार है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत क्षेत्र का बैलेंस किया है, बीजेपी ने नामों का बैलेंस किया है, बीजेपी ने देखा जाए तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को लगभग कोशिश की है कि उनका एक तालमेल बना रहे संख्या के लिहाज से। तो कुल 7 जिन लोगों को जिनको बीजेपी ने भेजा है उनके ये नाम हैं और मुझे लगता है चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो हर तरफ से कोशिश ये की गई है कि बीजेपी के जो सारे समीकरण हैं वो सध जाएं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।